भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। ब्रह्मा जी का मोह और उसका विनाश। आगे है, यहां एक बात समझने की है कि जितनी भी ब्रह्मा की सृष्टि है वे सारी सृष्टि भगवत रूपी है, परंतु इसके साथ व्यवहारिक कर्म जगत का कर्म लगा हुआ है। यहाँ पर जितने भी जीव हमें देखते हैं, हम लोग सब, ये सब कर्म की प्रेरणा से, कर्मवश, नियंता के द्वारा नियंत्रित होकर के विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं और विभिन्न प्रकार के सुख दुख आदि भोगते हैं। आत्मा रूप से स्वयं भगवान ही है, जड़ प्रकृति भी भगवान ही है। ये होते हुए भी यहां कर्म जगत का संसर्ग है, संपर्क है। चिन्ह में होते हुए भी जगत में संपन्न है, जगत को स्वीकार किया है। प्रकृति पुरुष दो बने हुए हैं, लेकिन यहां पर स्वयं भगवान, चिन्ह में भगवान स्वयं ही बिना किसी सखाओं के और बछड़ों के कर्म के, ये किसी कर्म के कारण इस समय इस प्रकार अभिभूत हुए माया से सो नहीं है। ये किसी कर्म को लेकर के भगवान बछड़े बने और सखा बने सो नहीं, ये स्वयं स्वेच्छा से अपनी मंगलमय लीला से रस का प्रवाह बहाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण बने। स्वयं श्री कृष्ण वैसे बने जितक होते बच बाछी बाल, आपू ही भे कुंवर नंदलाल। वैसे ही कमर अंबर हार, वैसे ही सहज आहार विहार, वैसे ही नाम दाम गुण नीके, वैसे ही श्रृंग बेनो दल छीके, वैसी ये हसनी चहनी पुनी बोलनी, वैसी ये लटकानी मटकनी डोल के, नपूर कंकन किंकिन माल, सबे भय ईश्वर नंदलाल। वे जो विदित विश्व ये जिते, सबे विष्णु में भासत तित्ते, जो ये बाणी निगमन गाई, सो प्रभु मूर्त वंत दिखराई। भगवान इस प्रकार से मूर्तिमान होकर के जब बन गए, विश्व के श्रेष्ठा वही हैं, उन्हीं के द्वारा ये पंचभूतों का निर्माण हुआ है। ये सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और अनंत नक्षत्र राशि, ये सब उनकी ही रचना। समुद्र गिरी धरा पर्वत इत्यादि सब भगवान जी की ही सत्ता बनती हैं, पर जो कर्म फल का अंश है वह वहाँ रहता है। ये कर्म फलांश नहीं है, ये भगवान स्वयं अपने आप ही अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ऐसा बने। ब्रह्मा जी का मनोरथ पूर्ण करना है, उन्हें रस माधुर्य चखाना है और आस्वादन करवाना है, उनकी इच्छा पूर्ण करना है, तमाम गोप माताओं को सुख देना है, उनके बच्चे बन करके, और तमाम गायों को आनंद देना है, उनके स्नेह रस का पान करने के लिए बछड़े बनकर। भगवान से हम इस प्रकार से सब कुछ बन गए। ये भगवान का जो सृजन है ये उत्कृष्टम है। ये जो स्वर्ग है भगवान जी का, इसमें कोई कर्म कारण नहीं, अज्ञान कारण नहीं, बंधन कारण नहीं, ये तो स्वयं भगवान जी का अद्भुत लीला विलास है। ये भगवान जी का आत्म विहार आरंभ हुआ, ये साल भर तक चलता रहेगा। स्वयं तो उपस्थित हैं और देखे श्याम सुंदर वैसे के वैसे, अब श्याम सुंदर ही अनंत अनंत सब बन गए। अरे मैया श्रीदाम, अब सब तो स्वयं हैं, कौन याद रहती किसको बात। कहने लगे
आप ही की, अरे श्री दाम भैया, सुबल, अरे आज तो देर बहुत होगी। अपने आप अपने आप से कहते हैं, देखो भैया माताओं को बड़ी चिंता हो रही होगी, आज अतिकाल हो गया है, हम लोग तो कहकर आए थे कि वन में ही खाएंगे पिएंगे, हम लोग तो खाने पीने में इतने उलझ गए कि देखो हमको शाम होगी और कुछ ठीक ज्ञान रहा नहीं, इसलिए तो अब भैया जल्दी करो, अब बछड़ों को इकट्ठा करो। श्री दाम ने कहा, कन्हैया ये हमारा काम थोड़े है बछड़ों को इकट्ठा करना, तुम खड़े होकर के पुकारो, सब आ जाएंगे, अभी से हम बोल रहे हैं खड़े होकर के, बछड़ों को दूर से पुकारे, स्वयं बछड़े भी हैं, सब इकट्ठे हो गए। अब जो जैसा करता था वैसा ही करने लगा, किसी ने सिंगा बजाया, किसी ने बंसरी बजाई और वैसे ही खेल शुरू हो गया, नाचना कूदना फादना स्पर्श करना हंसना हंसाना गाना, ये सब शुरू हो गया। उसी प्रकार आनंद प्रवाह में बहते हुए चलते चलते सब ब्रज में आ पहुँचे। ये सर्वात्मा भगवान शिशु बने हुए वत्स रूपधारी कृष्णचंद्र सर्वात्मा आत्मविहार करते हुए आगे अखिल लोकपति भ्रिकुट मणि द्वैस रूप धरि भूप चरत चिरावत आपहु बछरा बाल अनूप फेरत घेरत आपु खेलत ब्याज अनेक विधि करत जो विविध प्रलाप भय अमित हैं अमित ग्रह है। अब जहाँ से जिसको मुड़ना चाहिए अपना अपना रास्ता है ना, श्री दाम का घर आया तो अपनी गली में श्री दाम जैसे मुड़ता आज ही वैसे ही मुड़ गया। चुराहाया तो चुराहे पर बछड़े सब अलग अलग हो जाते, तो बछड़े आज भी अलग अलग हो गए और अपने अपने गोश्त की तरफ सब चल पड़े। जहाँ जिस बच्चे का घर था बस आज भी वैसे ही सब अपने अपने घरों की ओर जाने लगे और वैसे ही अपने अपने बछड़ों को ले जा करके ग्वाल बाल रस्सी लेकर के उनका वहीं पर सदा की भांति बांध देते हैं, वहाँ वही आंचल है, वही मुद्रा है, वही रस्सी और सब घरों में गए। पर वास्तव में ना तो गोप शिशु आज यहाँ पर है और ना कोई बछड़ा है, स्वयं श्री कृष्णचंद्र ही उन सखाओं के रूप में अपने अपने स्थानों पर पहुँच गए, सीधे अपने अपने उसी मार्ग से, कहीं भूले नहीं कि रास्ता भूल करके किसी दूसरे रास्ते पर पहुँच गए, ऐसा नहीं है, जैसे जाते थे वैसे सब के। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, इस प्रकार बछड़ों को बीच बांध करके वे अपने अपने घरों में प्रवेश कर गए, पर आज का गृह प्रवेश और दिनों के प्रवेश से कुछ थोड़ा सा अंतर लिए हुए, आज कुछ विचित्रता है। गोपियां सब उत्सुक थी, ये तो जब संध्या होती तब प्रतिदिन ऐसा ही करती, अभी तो माधुर्य लीला आरंभ नहीं हुई है, अभी तो ये पौगंड लीला है, सख्य का विकास है और वात्सल्य साथ है। सारी माताएं अपने बच्चों की प्रतीक्षा में रहती कि अब आए होंगे, अब आते होंगे, अब आते होंगे, परंतु प्रतीक्षा होती श्याम सुंदर की, कोमल हृदय वात्सल्यवती सब देवियां बाहर देखा करती कि आज कुछ देर हो गई, इनके मन में अनिष्ट शंका हो गई। जहाँ भी प्रिय भाव होता है वहाँ आदमी जल्दी अनिष्ट सोच लेता है, ना मालूम कुछ हो तो नहीं गया हो। उन्होंने सोचा, आज तो ये वहीं खाने वाने गए थे और कोई राक्षस वाक्षस आ गया,
और दाऊ भी साथ नहीं गया था। दाऊ होता तो संभाल लेता, ना मालूम क्या हो गया है, सब छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बच्चे तो सब कन्हैया की बात मानते हैं, कोई उसे डांटता डपटता तो है नहीं। दाऊ रहता तो डांट भी देता, और आज कोई डांटने वाला था नहीं। और कन्हैया बड़ा चंचल है, ना मालूम कन्हैया किशोर बढ़ गया हो, फिर सब बच्चे गए हों और ना मालूम क्या हो गया हो। कन्हैया को कुछ हो गया तो इस प्रकार वे चिंता करने लगी। और ब्रज रानी की तो बात ही क्या है, वे तो आज अत्यंत आकुल है। बोली, ना मालूम कि उसने खाया कि नहीं, वह तो जब खेल में मतवाला रहता है तो खाता ही नहीं। और दाऊ जी आज यही रह गए, और खाने का सब सामान वही साथ ले गया, और कहीं भूखा रह गया हो तो, कहीं मेरा लाला भूख के कारण थक गया हो इसलिए देर हुई है, ऐसा मालूम होता है। शायद कहीं कोई राक्षस वाक्षस आ गया हो। इतने में ही दूर से वंशी सुनाई दी। बस जहां वंशी ध्वनि सुनाई दी कि तमाम मन मुर्दों में जीवन आ गया, तमाम गोपांगना में तमाम गोप माताएं और यशोदा मैया सब के सब आनंद से उत्फुल्ल हो गई। अब वह निकट से निकट आने लगे, तमाम ब्रजपुर इंद्रियां सब सामने सड़कों पर खड़ी थी, उनके नेत्र शीतल हो गए। अब आज अनोखी चीज क्या हुई, और दिन तो क्या होता कि जब इनके बच्चे आते तो बच्चों की ओर ये देखती नहीं, ताकती नहीं, और बच्चे घर में चले जाते। घर जाने के बाद पीछे उन्हें नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती, परंतु बच्चों की तरफ कोई आकर्षण नहीं होता। ये सब के सब क्या करती कि श्याम सुंदर को उठा करके गोद में ले लेती। हजारों घर और हजारों गोपांगनाएं पर उनकी माया लीला शक्ति वहाँ काम करती, और सबको यही मालूम होता कि हमारी ओर आगे हमारी छाती से चिपक गए, और हम उनके मस्तक पर हाथ फेर रही हैं, लालन पालन कर रही हैं। इस प्रकार से रोज रोज ये होता कि दौड़ पड़ती और नील सुंदर को अपनी अंकों में भर लेती। माताओं की बुद्धि ये नहीं जान सकती कि एक क्षण में कैसे सबके साथ मिल लेते हैं। गोप सुंदरियां सब मिलती, सुख सागर में डूबी रहती, लेकिन आज ये क्रम बदल गया। आज किंचित विलंब से लौटे, पर आज जो उनके अपने अपने बच्चे थे उनकी ओर इनकी आंखें चली गई, उसमें इनका प्रेम उमड़ा। नील सुंदर को भूल गए, आज सभी को नील सुंदर हैं, आज सबके सब ग्वाल नील सुंदर हैं, आज कोई दूसरा नहीं, सभी नीलमणि हैं। आज मानो नील सुंदर नीलमणि को भूल करके अपने अपने पुत्रों की ओर उनकी दृष्टि लग गई। आज ना मालूम क्या हो गया, और दिन तो उछल करके आगे बढ़ करके गोदी में उठा लेती नीलमणि को, श्री कृष्णचंद्र को। आज इनका सारा का सारा ममत्व अपने बच्चों पर आ गया, और बच्चों का छिपर छिपाने के लिए इनका मन नाच उठा, जल्दी से उठा लें, इनको गोदी में ले लें। मन में आ भी आया भी कि क्या बात है, उन्हें आज अपने आप पर आश्चर्य भी हुआ। पर आज बच्चे बड़े प्यारे लगे, पागल सी हो गई, स्नेह अतिरेक हो गया। और श्री कृष्णचंद्र तो आगे बढ़े, वह तो मन में जानते ही थे कि आज इनकी इच्छा पूर्ण हो रही है। ये सब चाहती थी कि हम सब माँ बने, आज ये सब की सब हमारी माँ बन गई।
और हम सब के अलग अलग बच्चे रहकर बन करके आज सबका दुग्ध पान करेंगे, स्नेह पान करेंगे, इनके द्वारा लालित पालित होंगे। अब उधर उनका जो वात्सल्य स्नेह था वह उमड़ा तथा उनका वेग और भी द्रुत हो गया, उनके दुग्ध की धारा बहने लगी। अमृत धारा के समान स्वाद वाली बड़ी मादक दुग्ध धारा अब रह नहीं सकी। अब ये बच्चे बड़े बड़े थे पर सब ने दुग्ध पान किया और बच्चों को चुंबन करने लगी। उनके माथे पर सब घुंघराले घुंघराले बालों पर कुछ सुंदरता ज्यादा आ गई। आज कुछ नई चीज ये हुई कि आकृति वही की वही, ढंग वही, स्वभाव वही, पर आज उनमें विशेष प्रकार का सौंदर्य निखर उठा। छवि मैयाओं के मन में आ गया कि ये लड़का आज गया था तब तो इतना सुंदर नहीं था, अब तो बड़ा सुहावना दिखता है। ये क्या हो गया, ये तो आज बड़ा सुंदर दिखता है। बस अपने आंचल से उसके धूलिकण झाड़ने लगी और उनको ऐसा मालूम हुआ, ऐसा मन में हुआ कि आज उन्हें सदा का चाहा हुआ फल प्राप्त हो गया, मनोरथ पूर्ण हो गए। ऐसा क्यों ना हो, आज उन्होंने बस भगवान को पुत्र रूप से पा लिया, अपना बेटा समझ करके उनको अपना दुग्ध पान कराने लगी। सुबह रोज स्रवत पे धाई, सुत उठाई और ले लपटाई, सोन जानी पर ब्रह्म उठाई, अंक राखी निज हृदय लगाई, सुधा सरीस पय पान कराई कराई, जानो परम भाग्य नर राई। शुकदेव जी कहते हैं कि उनका बड़ा भाग्य है। अब ये बहुत देर के बाद, ना मालूम कितनी देर लगी, तब माताओं का आवेग कुछ कम पड़ा, तब उनको और दूसरे काम याद आए। प्रतिदिन का तो ये नियम था कि सायंकाल जब श्याम सुंदर वन से लौटते हैं तब सखा भी साथ हो आते हैं, और आज भी वन से ही लौटे श्याम सुंदर और आज भी सखा साथ ही आए, पर आज वे सखा दूसरे हैं। आज ये श्याम नंद नंदन है, आज तो इनको मालूम नहीं हुआ कि ये श्याम सुंदर है कि हमारा लड़का है, और मालूम हो भी कैसे, मालूम नहीं हुआ इनका। इसका पता इसलिए नहीं लगा कि जो स्नेह श्याम सुंदर से करती हैं वे इनसे करने लगी। इन माताओं का स्नेह से बड़ा हृदय ये पुत्र रूपधारी श्याम सुंदर का संवारना करने लगी। संध्या हो चुकी, रात आई, फिर अब तो और भी उल्लास इनका बढ़ा। कहीं इनको उबटन लगाएं, साबुन आदि का तो काम नहीं था उस समय। उबटन लगाया, नहलाया, तेल लगाया, स्नान कराया, फिर चंदन मिश्रित अंगराग लगाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और रक्षा तिलक लगाए। भगवान जी के 12 नाम लेकर के 12 अंगों पर रक्षा तिलक किया। ये प्राचीन काल में हमारे घरों की परिपाटी थी। भगवान जी का नाम लेकर के माता जितनी थी बच्चों के विभिन्न अंगों पर तिलक लगाती थी, जिससे उनके अंगों की रक्षा हो। भगवान जी के लिए पूतना जब आई थी तब ये किया गया। अब वह अपने अपने बच्चों से पूछती कि आज क्या खेल खेला, भैया आज क्या किया, आज कौन सा खेल हुआ। बच्चे सब क्या बस कृष्ण चंद्र ही सब बताते हैं।
चंदन चर्ची सुभग तन देखी होत हिदे आनंद विसेखी। इस प्रकार उन सबको नहला धुला करके, खिला पिला करके, इनको अपने अंक से लगा करके सुला दिया। ये तो माताओं की बात हुई। इधर गायों की दशा बड़ी विचित्र। ये गायें अभी अभी स्वयं वन से लौटी हैं। ये गायें जाते चरने के लिए अलग और छोटे बछड़े जो थे हाल के हुए वे घरों पर ही रहते और बड़े बछड़ों को लेकर के श्याम सुंदर जाया करते अलग। तीन दल होते, छोटे बछड़े घर पर रहते, बड़े बछड़े बाहर जाते और गायें बाहर जाती। ये गायें अभी अभी लौटी हैं, परंतु आज कुछ अद्भुत बात है। और दिन तो ये था कि जब गायें आती तो छोटे बछड़े जो थे दुग्ध पान करने वाले उनकी ओर ये लपक करके जाती और वे दूध पीने लगते। आज ये गायें वन से लौटी, अभी बछड़े पहले आ गए थे, गायें कुछ देर से आई। आते ही बड़े बछड़ों की ओर उनकी दृष्टि चली गई और वह सारे गोष्ठ में सब हुंकार करती हुई उधर ही दौड़ी, मानो उनके अंदर से वात्सल्य का स्तोत्र उमड़ पड़ा, धारा उमड़ पड़ी। एक ग्वाले ने कहा, अरे कहाँ जाती हो, कहाँ जाती हो? बड़े बड़े ग्वाले जो घर पर थे पर सुने कौन। उनकी इस स्नेह विहलता को देख करके सारे गोप भी रस में मत हो गए, उनका भी भाव द्रवित हो गया। ये सारे के सारे बछड़े श्याम सुंदर बने हुए। ये बछड़े श्याम सुंदर का रूप है। ये बस जब अपनी अपनी माताओं की वह हंबाराव सुनी, पुकार सुनी, तो ये भी उधर दौड़े। अभी कुछ बिना बंधे हुए थे और जो बंधे थे वैसे ही सिर हिलाने लगे कि जल्दी मैया आ जाए हमारे पास। अब श्री श्याम सुंदर को तो गायों के बछड़े बन करके उनका दूध पीना है ना, सुख देना है इनको। ये बड़े बछड़े सब के सब मुक्त अवस्था में थे, इन्होंने दूध पीना छोड़ दिया था। ये घास चरते थे, परंतु इनको देख करके गाय प्रसन्न हो गई और गायों को आनंद मात्र देख करके ये बछड़े सब नाचने लगे। अब इनके पास आते आते उनके दुग्ध झरने लगा। बड़े बछड़ों के लिए दुग्ध नहीं झरता, गाय उन्हें अलग कर देती है, सिंग दिखा देती है, बड़े बछड़ों को दूध नहीं पीने देती। पर आज इन बड़े बछड़ों को देख करके गायों के दूध झरने लगा, हुंकार करने लगी, दौड़ी और जा करके बछड़ों को चाटने लगी। ये सब के सब उनके अंग चाटने लगी, दुग्ध पान कराने लगी और आनंद मत हो गई। ये ब्रज राज नंदन के लीला विहार का प्रथम दिन है। अब इसमें साल भर है ना, हेमंत, शिशुर, वसंत, ग्रीष्म, पावस, सब ऋतुएं इनमें आवेंगी और फिर शारदीय वृंदा कानन में ब्रजपुर के आकाश को अलंकित कर देंगी। उस समय ब्रजराज अकेले ही विचरण करेंगे। ये भगवान स्वयं ही बछड़ा बने, स्वयं ही बालक बने, स्वयं ही सब वस्तुएं बने और स्वयं ही स्वयं में सब प्रकार का व्यवहार करते हुए लीला करने लगे। इस प्रकार सारा का सारा ब्रज भगवान जी की लीला से आवृत हो गया। जिधर देखो उधर ही श्याम सुंदर। गोप बालक हजारों हजारों थे, कोई एक दो थोड़े ही थे, हजारों गोप शिशु और हजारों बछड़े थे। ये जिधर देखो
उधर श्याम सुंदर स्वयं आज आनंद मत हुए। अपना ही आनंद अपने आप ले रहे थे। इनका मात्र भाव ज्यों का त्यों रहा था। इन्होंने श्री कृष्ण को पहचाना नहीं कि ये हमारे बालक, ये वह बालक नहीं है। हमारे बालक तो कहीं ब्रह्मा जी के द्वारा हर कर दे जाए गए हैं। ये ज्ञान इन गोप रमणियों को नहीं है, गायों को ये पता नहीं है कि हमारे वे बछड़े तो रह गए, ये तो श्याम सुंदर ही बछड़े बने हुए हैं। इस प्रकार वे गायें और वे गोप रमणियां ये ब्रज राजनंदन ब्रज बिहारी को भी अपने गर्भ से उत्पन्न अपना बालक मान करके उनको अपना दुग्ध पिलाती, लाड़ लड़ाती। गायें चाट पोंछ करके कितात होती। सब बातें जो की त्यों त्यों बनी हुई हैं। बस अंतर इतना ही है कि श्री कृष्ण के बदले गोप सुंदरियों के अंतर हृदय में पुत्रों के प्रति और गायों के हृदय में इन बड़े बछड़ों के प्रति जो स्नेह की धारा पहले थी वह अब नहीं बदल गई है। विशेष आकर्षण हो गया, पर वह पहले स्वाभाविक था और शांत था, बहता था प्रवाह। प्रवाह सहज था, साधारण था और उसमें एक शक्ति थी, शांत प्रवाह था। ये जहाँ जहाँ पर भगवान जी का निर्वेशत्व है यहाँ पर सम्य रूप विशेष है, शांत है। शांत समगतिक जो प्रवाह था वह प्रवाह अत्यंत वेगवान हो गया। वह धारा बड़ी वेगवती हो गई, उसमें हिलोरे उठने लगी, तरंगे उठने लगी। और इधर श्री कृष्ण चंद्र में ये भावना थी कि ये मेरी माँ है, मैं उसका पुत्र हूँ। ऐसी भावना उस समय इस प्रकार से नहीं थी, ये मेरी माँ है। जोर पर हमारी माता यशोदाई, आज इनके मन में ये हो कि सभी हमारी माँ हैं, यद्यपि इस बात को उन्होंने प्रकट नहीं होने दिया, इस बात को उन्होंने छिपा करके रखा। इसको कोई मोह हो गया हो सो बात नहीं, ये वत्स रूप से विराजित होने पर भी, बाल रूप में रहने पर भी स्वमहिमा में ही थे। इनके स्वरूप च्युति नहीं हुई, होगी भी नहीं और कभी हो नहीं सकती। इस प्रकार वे सुख देने लगे। मात्र भाव ज्यों ज्यों भयो गो गोपीन ते ही काल पूरब बालन ते अधिक ने वृद्धि एही बाल। हरि में भई अशेष गो गोपीन की मातृता एतनो भयो विशेष ने अधिक्य बिनिला लसत गो गोपिन के माही कृष्ण चंद्र कहे भावनित प्रथम सरिस सब आही तोक भावना जननी पर। बाल कृष्ण भगवान जी की जय।